नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान एलएसी का मुद्दा उठाया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ब्रिक्स का नाम नहीं बदलेगा, नए सदस्यों के जुड़ने पर भी ब्रिक्स का नाम बरकरार रहेगा। छह देश बने हैं ब्रिक्स के नए सदस्य, यह एक इंफॉर्मेशन है। सब एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो ने जानकारी दी है और यह अच्छी खबर है। सारे सिस्टम सही काम कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन है। चंद्रयान की सभी गतिविधियां तय समय पर हैं। चौथी बड़ी खबर, मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी मीटिंग में मौजूद। सीएम ने मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। और छठी बड़ी खबर, डॉक्टरों के विरोध के बाद जेनरिक दवा से जुड़े नियम पर रोक है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लगाई रोक, जेनरिक दवा नहीं लिखने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी। सातवीं बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। विश्वविद्यालय में 22 सितंबर को चुनाव होंगे, नामांकन की तारीख 12 सितंबर होगी। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट और कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, शतरंज विश्व कप में प्रज्ञान नंदा का शानदार प्रदर्शन। टाई ब्रेक के जरिए ग्रैंड मास्टर मैग्नन कार्लसन से हारे बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके प्रांगण नंदा की तारीफ की है।